पेन देख जाए, चलो स्टार्ट। गो, पेन दे रहे पवन, पेन दे बेटा। दूसरा दो दे बेटा। यशदा, इसका ही है। शिवतेज ना दे। स्वर के लिए दे दे। गावड़े, लक्ष्य दो। लास्ट स्ट्रक्चर देखे थे किसका? बोरैक्स का। सो बोरैक्स का स्ट्रक्चर लास्ट टाइम देख लिए थे। इसके अंदर देखे थे हम लोग चार बोरॉन्स को जो है अलग अलग दिशाओं में अरेंज कर देते हम लोग। कर्टन्स लगाओ रे बॉयज। बोरैक्स का स्ट्रक्चर देखे थे क्या? ठीक है, कल हो चुका था बोरैक्स का स्ट्रक्चर। ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर कितना चार्ज आता है? -2 का चार्ज आता है, साथ में दो सोडियम रहते हैं, ठीक है, उसमें प्लस का चार्ज आएगा। क्लियर है क्या? ये स्ट्रक्चर लास्ट देख लेते बोरैक्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे के रिएक्शंस के बारे में। तो इसके बारे में लिख लेना, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एक लाइन लिख देना, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट इसको ये लिखो, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव अ बेसिक सॉल्यूशन। लिखो, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव अ बेसिक सॉल्यूशन। लाइट चालू करो, चले। इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। लिखो, बेसिक लिख सकते हो या अल्कलाइन लिख सकते हो। इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। लिखा, इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन। सिंपल सा है, बोरेक्स के अंदर जब पानी डालोगे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस होता है। बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस देने का बोरिक एसिड देगा। क्या देगा? तो याद रखना, इसको बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करोगे क्या देगा? बोरिक एसिड। क्या देगा? एसिड प्लस। क्या देगा? NaOH। क्या देगा? सिंपल। अब NaOH देता है, अब देखोगे तो बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस करेगा, एक एसिड देगा और एक क्या देगा? बेस। बट तुमने क्या बोला? सॉल्यूशन इज बेसिक। सॉल्यूशन कैसा होता है? बेसिक। भले एसिड भी मिला और क्या मिला है? बेस। बोरिक एसिड है ना ये, और एक NaOH बेस है ना। तो सॉल्यूशन जब बोरेक्स में पानी डालते हो तो एसिड भी देता और बेस भी, बट तुमने लिखा है सॉल्यूशन इज ओनली बेसिक, बिकॉज बेस इज डोमिनेटिंग। बेस क्या होता है? ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। बेस स्ट्रॉन्ग है ना, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो वीक एसिड होने की वजह से और बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ज्यादा सॉल्यूशन का नेचर कैसा आ जाएगा? बेसिक टाइप का। सॉल्यूशन हैव अ बेसिक नेचर। लिख लिया सब लोगों ने, ये रिएक्शन लिख लो। चलो जो बच्चे घर गए ऑनलाइन अटेंड कर रहे, ध्यान से अटेंड करो। घर जाना है तो जाओ, बट ऑनलाइन अच्छे से लेक्चर अटेंड करो। घर जाके आने के बाद मेरे को पूछने का नहीं कि सर ये टॉपिक फिर से पढ़ाओ या से डाउट्स लो, ठीक है? लिख लो, बोरेक्स ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू बोरिक एसिड। क्या देगा? बोरिक एसिड। अब कैसे आया ये करके देखना, ठीक है? कैसे आया ना, इसको करके देखना। P4O10 का क्या याद है तुम लोग? हाइड्रोलिसिस याद है क्या?
P4O10 का हाइड्रोलिसिस किए थे, तुमको क्या दिया था? फॉस्फोरिक एसिड, याद है? सेम तरीके से इसका हाइड्रोलिसिस करके देखना, आएगा आंसर। ये बोरॉन दिख रहेगा, इसके यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH लगाओ, देखो क्या बन रहा है, बोरिक एसिड बन रहा है ना। एक बोरॉन पे 3 OH लग रहेगा, ऐसे सब कुछ सारी बॉन्ड तोड़ के देखो बन जाएगा। तो एज अ होमवर्क करके आना, समझ में आ जाएगा तुम लोग को, क्लियर है? सो बोरेक्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स यू NaOH प्लस ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है? इसके नए हेडिंग डालो, बोरेक्स बीड टेस्ट, लिखो बोरेक्स बीड टेस्ट। लिखो बोरेक्स बीड टेस्ट, स्पेलिंग लिख देता हूं यार, मर जाओगे। बोरेक्स बीड टेस्ट, लिखा क्या होता है बोरेक्स बीड टेस्ट देखेंगे। तो एक स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है, जैसे तुमने फ्लेम टेस्ट देखा है क्या, वैसे टाइप का फ्लेम टेस्ट जैसा एक टेस्ट होता है। तो क्या होगा इसके अंदर, ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बार बार पूछा जाने वाला टेस्ट है, कैसे और क्या क्वेश्चन आएगा वही बता दूंगा तुमको। बोरॉन जो रहता है, बोरेक्स, जो बोरेक्स का व्हाइट कलर का पाउडर आता है, उसको एक प्लेटिनियम वायर की लूप पे लेते, एक वायर लेने का, ऐसा वायर है क्या, इसको मैं ऐसे बेंड करके लूप बना सकता हूँ इसका, तो इसको लास्ट में से बेंड करके लूप बना दूंगा, ये लूप रहेगा क्या, जैसे ये वायर है, तो ये जो वायर है इसके अंदर मैं लूप बना सकता हूँ कैसा, ये लूप बन गया ना, समझ में आया, ऐसे वायर में लूप बन गया। सेम तरीके से ऐसे प्लेटिनियम का वायर लेने का, उसमें लूप बनाने का, क्या बनाने का, लूप। इस लूप के ऊपर क्या डालने का, बोरेक्स पाउडर, क्या डालने का, बोरेक्स। बोरेक्स पाउडर व्हाइट कलर का आता है, कैसा आता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का बोरेक्स पाउडर डालने का, उसको हीट करने का, क्या करने का, हीट। हीट करोगे तो ये बोरेक्स विल बी कन्वर्टेड इंटू वन कंपाउंड नोन एज सोडियम मेटाबोरेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम मेटाबोरेट में, इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कंपाउंड होता है कैसा दिखता है, ग्लासी बीड जैसा, कैसा दिखेगा, ग्लासी बीड। अब ये ग्लासी बीड क्या होता है, इसको समझेंगे, बीड्स देखे हो तुम लोग, बीड का मतलब समझ में आता है, बीड्स मोती, मोती समझ में आता है, मोती कैसा, ग्लासी, ग्लासी का मतलब ग्लास जैसा, कैसे, कांच जैसा, ट्रांसपेरेंट कांच जैसा जो है मोती बन जाएगा, समझ में आया। जो व्हाइट कलर का पाउडर है उसको हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे, बोरेक्स का जो व्हाइट कलर का पाउडर है उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो एक कैसा बन जाएगा, कांच का जो है मोती बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कांच का मोती, समझ में आता है, कांच का मोती कैसा होता है, ग्लासी बीड, एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। इसका हम यूज करते हैं अलग अलग मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए, कौन से मेटल्स, डी ब्लॉक के, कौन से, डी ब्लॉक के, बिकॉज जो एस ब्लॉक के मेटल्स है अल्कली और अल्कलाइन, उनको तो डायरेक्टली हीट करके देख रहे थे हम फ्लेम टेस्ट में, डी ब्लॉक का फ्लेम टेस्ट किया था क्या, नहीं ना, तो डी ब्लॉक के लिए ये टेस्ट होता है, कौन सा वाला, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो करेंगे क्या, जैसे ये कांच का जो मोती बन गया हमारे पास, ये कांच के मोती के ऊपर कोई भी डी ब्लॉक का एक सॉल्यूशन डालेंगे, समझो डी ब्लॉक का एक एलिमेंट है कॉपर, क्या है, कॉपर या कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है, कोबाल्ट को इसके ऊपर रख देंगे, किसके ऊपर, ये मोती के ऊपर, या कोबाल्ट का कोई सॉल्यूशन है, समझो एक मेरे पास एक सॉल्यूशन है इसके अंदर कोबाल्ट है, क्या है, कोबाल्ट, तो एक सॉल्यूशन है इसके अंदर कोबाल्ट आयन है, उस वो सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा इस मोती के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है, और मोती पर डालने का उसको गर्म करूंगा, हीट करूंगा, और जब मैं हीट करूंगा तो ये जो मोती जिसका कलर क्या था, ट्रांसपेरेंट, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में, किसमें, ब्लू कलर में, कोबाल्ट के लिए। ऐसे अलग अलग मेटल्स के लिए जो है अलग अलग कलर दिखाता है, ठीक है। तो इससे जैसे मोती का कलर चेंज होता है उससे तुमको पता चल जाता है कि क्या बोल सकते हैं, कौन सा एलिमेंट होगा। जैसे कोबाल्ट फिक्स तुमको कौन सा कलर देगा, ब्लू देगा, ठीक है। कॉपर का एक अलग कलर होता है, वो तुमको ऑरेंजिश ब्राउन टाइप का कलर देता है, ठीक है। सो हर एक मेटल के लिए जो है अलग अलग टाइप का कलर होता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे यूट्यूब में एक वीडियो के फ्रेम में, तुमको समझ में आ जाएगा क्या होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे यूट्यूब से देख लेना, मेरे को कैमरा बंद करना है।
शायद सर आवाज नहीं आ रही, आवाज चालू नहीं की बेटा, ध्यान दे अभी अभी आई आवाज। सो बोरेक्स को जो है क्या बोलते हैं, हीट करोगे सबसे पहले वाटर निकलेगा क्या, तो ये बन जाएगा अनहाइड्रस सोडियम बोर, क्या बन जाएगा अनहाइड्रस बोरेक्स, क्या बोलेंगे अनहाइड्रस बोरेक्स। अभी सोडियम मेटाबोरेट लिखा, ये इसका नाम है, इसका इसका नाम है भैया, इसका नाम नहीं है, ठीक है, सोडियम मेटाबोरेट इसका नाम है, इसका नाम है बंदे का, ये लोगों ने लिखते हुए गलती किया है, प्रिंट सही नहीं है, ये यहाँ पे उन्हें लिखना है, ठीक है, इसका किसका नाम है NaBO2 का, ठीक है, सोडियम मेटा बोरेट। तो देखो सबसे पहले वाटर निकल जाएगा क्या, वाटर निकलने के बाद बचेगा क्या सोडियम, ये सब पहले अनहाइड्रस बचेगा, क्या बनेगा अनहाइड्रस, अनहाइड्रस बोरेक्स, इसे बोलेंगे अनहाइड्रस बोरेक्स। इसको और ज्यादा हीट करोगे तो क्या बनेगा सोडियम मेटाबोरेट, और ये सोडियम मेटाबोरेट जो होता है ये कैसा होता है, ग्लासी बीड जैसा, कैसा होता है ग्लासी बीड जैसा होगा, ठीक है। अभी रिएक्ट हमने देख चुके हैं रिएक्शन ऑलरेडी कि कैसे दिखता है, क्या होता है वीडियो में, जो बच्चे नहीं है यहाँ पे उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो लोग जाके लिखो बोरेक्स बीड टेस्ट और पहले दो वीडियोस देख लो, समझ में आ जाएगा। सो ये क्या बोलते हैं, शुरू करेंगे ऐसे, ये रिएक्शन ऐसे होती है Na2B4O7.10H2 होता है, इसको हम बोरेक्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे बोरेक्स, को हम बोलेंगे बोरेक्स, और ये बोरेक्स को हीट करते सबसे पहले तो वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलने के बाद ये क्या बच जाएगा Na2B4O7, इसको हम बोलेंगे अनहाइड्रस, अनहाइड्रस मतलब बिना पानी वाला, अनहाइड्रस बोरेक्स, और इस अनहाइड्रस बोरेक्स को हीट करते हो और ज्यादा तुमको क्या देगा सोडियम मेटाबोरेट, इसको क्या बोलेंगे सोडियम मेटाबोरेट, और साथ में तुमको देता है बोरिक बोरॉन का ट्राइऑक्साइड, बोरॉन ट्राइऑक्साइड बोल सकते हैं या बोरिक अनहाइड्रेट, इसको किट्टू ध्यान दे बेटा, ऐसे सोके नहीं बैठना, सीधी बैठ, क्या बोल सकते इसको B2O3 जो क्या बोलते हैं बोरॉन का ट्राइऑक्साइड, ठीक है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या सोडियम मेटाबोरेट, इस सोडियम मेटाबोरेट के बाजू में लिख दो ये कैसा होता है ग्लासी बीड, कैसा होता है ग्लासी बीड, कैसा होगा ग्लासी बीड जैसा होगा, ठीक है। सोडियम मेटाबोरेट कैसा होता है ग्लासी बीड। अब तुमको इस बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या है, एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे उसके अंदर तुम लोगों ने फ्लेम टेस्ट में सारे कलर याद रखे थे क्या, इसमें सारे नहीं याद रखना, इसमें खाली एक याद रखना कोबाल्ट, क्या याद रखना है कोबाल्ट। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है बंसन बर्नर फ्लेम विथ कू, क्या लिखा है कू, कू का मतलब क्या होता है कोबाल्ट का ऑक्साइड, क्या है कोबाल्ट का ऑक्साइड, ये कोई कावड़ा या कोयल नहीं है, ठीक है, ना ही कोई किट्टू है, ठीक है, ये क्या है कू, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्साइड। सो वेन एवर कू इज हीटेड इट विल गिव यू विच कलर, ब्लू, कौन सा ब्लू, तो कू गिव्स यू ब्लू, याद रहेगा कू गिव्स यू ब्लू, याद रहेगा सब लोग को, ठीक है। सो देखो कोबाल्ट का ऑक्साइड हीटेड क्या करेगा तुमको, कौन सा कलर देगा ब्लू कलर, कौन सा देगा ब्लू कलर, समझ में आ गया क्या, तो ये याद रखना कोबाल्ट का जो बोरेट होता है मेटाबोरेट, ये कौन सा कलर का होता है ब्लू कलर का, तो इतना लिख दो कोबाल्ट बोरेक्स बीड टेस्ट में कौन सा कलर देगा ब्लू, इसको याद रखना, बस एक ही कलर पूछेंगे बाकी कुछ नहीं पूछेंगे, बाकी कोई मेटल नहीं पूछेंगे, खाली इतना याद रखना कोबाल्ट ब्लू कलर देगा इस टेस्ट में, कोबाल्ट कौन सा कलर देगा ब्लू, तो याद रखना कू गिव्स यू ब्लू। ए हो गया क्या, नेक्स्ट लिखो ऑर्थो बोरिक एसिड, चलो नेक्स्ट कंपाउंड लिखो बोरन का, ऑर्थो बोरिक एसिड,
सो बात करेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में. सो ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है तुम्हारा कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन टाइप का होता है. कैसा होता है? व्हाइट. अब ये बोरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, नॉर्मली कॉमन नेम क्या जाना जाता है, बोरिक एसिड के नाम से. अब बोरिक एसिड तुम लोग देखे भी होंगे, ठीक है, तुम लोग बोरिक पाउडर यूज करते हो कैरम खेलने के लिए, दिस इज द बोरिक एसिड. ठीक है, क्या जो पाउडर यूज करते हो कैरम में खेलने के लिए, दैट इज बोरिक एसिड ओनली. क्या होता है वो? बोरिक एसिड. और यही सेम पाउडर डाला जाता है कहाँ पे तुम लोग के, इसके ऊपर, किसके अंदर, जो तो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स के ऊपर तुम लोग गांव साइड में देखे होंगे, ग्रेन्स के ऊपर जो आप पाउडर डालते हैं वो कौन सा होता है? बोरिक एसिड. इससे क्या होते हैं, तुम्हारे जितने भी जर्म्स और कीटाणुज होते हैं, ये हो सकते हैं क्या, उसके छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब आते हैं नहीं है बोरिक एसिड के से. सो ये बोरिक एसिड होता है, व्हाइट कलर होता है, स्लिपरी टाइप होता है. कैसा होता है? थोड़ा स्लिपरी, सॉफ्ट स्लिपरी टच होता है इसका. सो लिखो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिखो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी और स्लिपरी टच. व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी और स्लिपरी टच. लिखा व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ सोपी और स्लिपरी टच. नेक्स्ट लाइन लिखो, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वॉटर. यहां पे लिखा हुआ, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वॉटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वॉटर. लिख लेगा. सो ये जो बोरेक्स होता है, सॉरी ऑर्थोबोरिक एसिड होता है, जब इसको पानी में डालते हो तो पानी में डालने के बाद ये तुरंत से सॉल्युबल नहीं होता, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है. स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब थोड़ा थोड़ा, कैसा? थोड़ा थोड़ा. बट जैसे थोड़ा सा भी पानी को हीट करोगे, पानी को हीट करोगे तो तुरंत से क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्युबल हो जाता है. ठीक है, सो बात करेंगे इसके बारे में प्रिपरेशन की. तो अभी तुमने प्रिपरेशन देखा था, बोरेक्स के अंदर पानी डालते हो तो बन जाता है ना ये ऑर्थोबोरिक एसिड. तो प्रिपरेशन लिखने की जरूरत नहीं, तुम लोग ऑलरेडी पता है कि प्रिपरेशन हो जाता है इसका कैसे. ठीक है, क्या इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे. इसके अंदर लिखो, लिखो इट कंटेन्स, लिखो ऑर्थोबोरिक एसिड कंटेन्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लिखो ऑर्थोबोरिक एसिड कंटेन्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी वाली? इंटर वाली, इंट्रा नहीं, कौन सी? इंटर. तो तुमको पूछते हैं ये सवाल कि ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कौन सी होती है? इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑर्थोबोरिक एसिड में कौन सी बॉन्डिंग होती है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्या बोल रहे हो? तेरे को कभी भी यही क्वेश्चन रहता है, टेस्ट में आएगा, टेस्ट में आएगा, हर थर्सडे फ्राइडे सेम क्वेश्चन. हाँ, कैल्शियम कंपाउंड्स की बात का सारा पी ब्लॉक कल जहां तक होगा, बोरन फैमिली हो जाएगा छुट्टी इस चीज की. इसमें सर नहीं बोलो, सर को, राज सर को सुनो, दैट इज नॉट इन माय हैंड टू बी वेरी जेन्युइन. आप सब लोग रिक्वेस्ट करो, आप लोग का है. ठीक है, दैट इज योर पर्सनल. सब लोग जाओ संगठन बना के और पूछ लो सर को. ठीक है, हाँ तुम लोग भी जाओ ना कर संगठन बना के सर के पास जाओ, सब लोग मिलके बोलो सर हमको इतने एटलीस्ट 3-4 दिन का दो. बोलो सर को. लिखा क्या? इंटरमॉल. इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता. ठीक है, मेरे बोलने से नहीं होगा बेटा, सॉरी. टू बी वेरी, जहां पे होता है मैं बोल देता हूँ.
जहां पे नहीं पॉसिबल मैं क्यों बोलूंगा, मुझे पता नहीं होगा। ए पवन और दिन आगे जान दो, दैट्स योर पर्सनल थिंग, आप सब लोग मिलकर जाके बोल सकते हो, दैट इज योर चॉइस। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, अभ्यास अभ्यास करो यहाँ। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखा गया तुम लोगों ने, ठीक है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? इंटर, इसका टू डायमेंशन शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है, लिखो इट हैव, लिखो ऑर्थो बोरिक एसिड, लिखो इन सॉलिड स्टेट बोरिक एसिड, लिखो बोरिक एसिड इन सॉलिड स्टेट, बोरिक एसिड इन सॉलिड स्टेट, लिखो बोरिक एसिड इन सॉलिड स्टेट हैव टू डायमेंशनल शीट टाइप स्ट्रक्चर, टू डायमेंशनल शीट टाइप स्ट्रक्चर इधर लिखा है मैंने बेटा, उधर कॉपी मत कर, इधर लिख ले। बोरिक एसिड हैव, बोरिक एसिड इन सॉलिड स्टेट लिखो, बोरिक एसिड इन सॉलिड स्टेट हैव टू डायमेंशनल, टू डी शीट टाइप स्ट्रक्चर, टू डायमेंशनल शीट समझ में आती है, पेपर जैसा, ठीक है, शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है टू डायमेंशनल, क्लियर हो गया क्या? पूछेंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या? हाँ होती है। कैसी होती है तुम लोग की हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमोलिकुलर, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इंट्रा नहीं होगी। बहुत से बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये बोरॉन दिख रहा है क्या? ये बोरॉन है क्या? इस बोरॉन से कनेक्टेड ऑक्सीजन, ये ठीक है क्या? और यहाँ पे ध्यान दो, उसके रिलेटेड ये है, ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन, इसका ये दिख रहा है क्या? पूरा एक मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ इसका ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा और इसका हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ करेगा, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ करता है, इसलिए कौन सी बॉन्डिंग होगी? इंटर, कौन सी वाली होगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा शीट टाइप स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है? शीट टाइप प्लेनर है ना सारे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आती है? sp2, तो सबके सब कैसे हो जाते हैं तुम्हारे? प्लेनर होंगे, कैसे होंगे? प्लेनर, टू डायमेंशनल शीट टाइप स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एक लाइन, बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, वीक लुविस एसिड लिखो, इट इज अ वीक लुविस एसिड, और उसके बाजू में जो है वीक लेविस एसिड लिखो, लेविस की स्पेलिंग पता होगी तुम लोगों को, नहीं पता तो लिख लो यहाँ से कॉपी करके, LEWIS लेविस एसिड, इट इज अ वीक लेविस एसिड, वीक लेविस एसिड। अब बात करेंगे एसिडिटी की, तो देखो ये सवाल बहुत बार पूछते हैं, ये जो तुम लोगों को क्वेश्चन लिखवाया इसके बाद स्टार मार्क लगाओ, दो तारे लगाओ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, मेंस में बहुत बार पूछा गया, नीट में फिर भी कम पूछते हैं क्वेश्चन, मेंस में तो पूछा गया है। पूछेंगे बोरिक एसिड कैसे टाइप का एसिड है, बोरिक एसिड कैसे टाइप का एसिड है? अगर तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से BOH3 है क्या, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं H3BO3 लिखते हैं क्या ऐसे, और जैसे तुम लोग क्या लिखते हो H3PO4 लिखते हो क्या, H2SO4 लिखते हो क्या? तो तुम क्या देखते हो, H2SO4 में दो हाइड्रोजन दे देता है क्या, H3PO4 में तीन हाइड्रोजन दे देता है क्या? तुम बोलोगे H3BO3, ये भी कितने हाइड्रोजन देगा? तीन, इसलिए ये एसिड है, क्या है? एसिड। तो ये कौन सा टाइप का एसिड हो जाएगा, जो हाइड्रोजन देने वाला एसिड होता है उसको कौन सा एसिड बोलते हैं हम लोग, कौन सा? तेजस्वी, पे अटेंशन, क्या वो कौन सा एसिड बोलेंगे? H+ देने वाले एसिड को कौन सा बोलते हैं? बहुत बढ़िया, वेल डन। RNAs किसको बोलते हैं फिर? H+ देने वाला एसिड कौन सा होता है? RNAs और Lauri-Bronsted और RNAs कौन से होते हैं? H+ देने वाले। और लेविस कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। तो एक काम करो, कल जो है सभी लोग जो है एसिड बेस थियरी जो है वो 10 बार लिख के ले गए, कितनी बार? 10 बार, तीन टाइप के एसिड बेस लिखवाए ना तुम लोगों को, लेविस, RNAs और Lauri-Bronsted, उन पूरी क्लास जो है 10 बार, जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट है 10 बार लिख के लेके आएंगे, ठीक है क्या? लेविस का एसिड कौन सा होता है, Lauri-Bronsted का कौन सा होता है और RNAs का कौन सा होता है, तो बराबर याद रहेगा, ठीक है। तो RNAs का एसिड H+ देता है और RNAs का बेस क्या करता है बताओ? OH- देगा। Lauri-Bronsted का एसिड क्या करता है? H+ देगा। और Lauri-Bronsted का बेस क्या करता है? H+ एक्सेप्ट करता है, OH नहीं रहेगा, दो H+ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लिखवा के दिया है, नहीं दिया है, बुक दिया है तो रिविजन किया करो ना कभी, तो देखा करो उसको। और बात करेंगे तुम्हारे इसकी लेविस की, तो लेविस एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो कौन होते हैं? लेविस बेस। सो यहाँ पे ध्यान दो, लोगों को सबको देख के क्या लगेगा, ये H+ देगा, कितने देगा? 3 H+ दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा? लेविस, ये कौन सा एसिड होगा? RNAs का कौन सा एसिड होगा?
अरेनियस का एसिड। जो एच प्लस देने वाले होते हैं वो अरेनियस के लॉरी ब्रोंस्टेड के एसिड होते हैं। इनको एक और एसिड बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इनको? प्रोटोन, बिकॉज ये एच प्लस देते ना और एच प्लस का एक और नाम होता है प्रोटोन। क्या बोलते हैं एच प्लस को? प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे एच प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का घर बनाओगे तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है क्या? और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? जीरो। कितने होंगे? जीरो। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक, है ना। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये एच प्लस बन जाएगा क्या? अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो एच प्लस बन जाएगा क्या? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या बन गया? सिर्फ एक प्रोटॉन बचा ना इसके ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो इसलिए एच प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। समझ में आएगा, बिकॉज एच प्लस में क्या है? सिर्फ प्रोटॉन ही तो है, क्लियर है? तो जो एसिड एच प्लस दे उस एसिड को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? प्रोटोनिक एसिड। तो तुमको क्वेश्चन पूछते हैं कि बोरिक एसिड है प्रोटोनिक एसिड है क्या? तो नहीं, क्या ये प्रोटोनिक एसिड नहीं, ये कैसा एसिड है? लेविस का। कौन सा एसिड है? लेविस का। आप समझेंगे कैसे? सो इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, सही क्या? तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका। अब यहां पे ध्यान दो कि ये जो बोरॉन है, ये बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? हाँ या ना? कितने इलेक्ट्रॉन इसमें बता, बोरॉन में छह है क्या? तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा क्या? तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो कौन सा एसिड होता है? कौन सा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा एसिड होता है? तो ये कौन सा एसिड हुआ? तो इसको अरेनियस बोलेंगे क्या? नहीं, ना ये अरेनियस है ना ये लॉरी ब्रोंस्टेड है। ये कौन सा एसिड हो जाएगा? लेविस का। क्यों? बिकॉज इट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन का पेयर। समझ में आ गया क्या? तो हम तुमने लिखा ना उसके अंदर इट इज अ लेविस एसिड, उसके नीचे रीजन लिखो, बिकॉज इट एक्सेप्ट एन, लिखो बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, लिखो बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्यों ये लेविस का एसिड है? बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तुमको याद है हाइड्राइड्स लिखवाए थे तुमको, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, उसके अंदर तीन टाइप थे, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाला, इलेक्ट्रॉन रिच वाला और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले हाइड्राइड। याद है उसमें लिखा था तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले में क्या लिखा था? दे एक्ट एज एन लेविस एसिड। याद है क्या? नहीं याद है तो हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन के पन्ने घुमाओ पता चलेगा। हाइड्रोजन खोलो, उसमें हाइड्रोजन का टॉपिक निकालो, वो वाला हाइड्रोजन टॉपिक खोलो, उसके अंदर एक टॉपिक होगा हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स या कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड में एक चार्ट बनाया होगा तुमको, तीन डिफरेंस वाला तीन चार्ट बनाया होगा, उसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के अंदर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले पढ़ो क्या लिखा है उसके अंदर, दे एक्ट एज अ लेविस एसिड। समझ में आ गया क्या? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है? तो ये कैसे एक्ट करेगा? लेविस एसिड। समझ में आ गया क्या? तो तुमको पूछेंगे बोरिक एसिड कौन से टाइप का एसिड है, अरेनियस है या लेविस एसिड? अरेनियस है या लेविस, तो कौन सा बोलोगे? लेविस। समझ में आ गया क्या? इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक। तो लिखो उसके अंदर, लिखो तुम्हारे अभी जो पॉइंट्स लिख रहे हो ना उस पॉइंट में नीचे लिखो, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। लिखा, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इट इज अ लेविस एसिड। नेक्स्ट एक लाइन, इट इज मोनोबेसिक, इट इज मोनोबेसिक, मतलब एक बेस को न्यूट्रलाइज करने वाला, इट इज मोनोबेसिक। एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा क्या ये? ठीक है, लिखो इट इज मोनोबेसिक, क्या होगा? इट इज मोनोबेसिक, मोनोबेसिक मतलब एक ही बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दो क्यों इसको मोनोबेसिक बोला है। अगर तुम इसके पास जो इसका स्ट्रक्चर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते बताओ इसके पास? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या? तो आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? दो। तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा ना ये, तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा एसिड हो जाएगा? मोनोबेसिक। कौन सा हो जाएगा? मोनो। लेविस तो है, लेविस में कौन सा है? मोनोबेसिक। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता तो क्या हो जाता? डायबेसिक। क्या होता? डाय। तीन करता तो ट्राइबेसिक। जैसे एच प्लस का देखा था हम लोगों ने, HCl, HCl कितने एच प्लस देता है? एक। तो ये कैसा हो जाएगा? मोनोबेसिक। कैसा हो जाएगा? मोनोबेसिक। H2SO4 कितने एच देगा? दो। तो कैसा हो जाएगा? डायबेसिक। समझ में आया? तो ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है? एक। तो कैसा हो जाएगा? मोनोबेसिक। समझ में आ गया? इट इज एन मोनोबेसिक एसिड। कैसा हो जाएगा? मोनोबेसिक। बहुत से बच्चे इसको ट्राइबेसिक करके आते, क्या करके आते हैं?
ट्राई बेसिक, बिकॉज इसको ऐसा लिखा रहता है वहां एग्जाम में, ऐसा लिखा रहता है एच थ्री बीओ थ्री इज अ विच काइंड ऑफ एसिड, मोनोबेसिक, डाई बेसिक या ट्राई बेसिक. तो बहुत से बच्चे इसको क्या करके आते हैं, ट्राई बेसिक. सोचते सर इसके ऊपर तीन हाइड्रोजन लिखे, मतलब ये क्या करेगा, तीन हाइड्रोजन डोनेट करेगा. बट डोनेट करेगा क्या, नहीं. पहली बात तो ये प्रोटोनिक एसिड है ही नहीं. कौन सा एसिड है ये, लेविस. और उसमें भी कौन सा एसिड है, मोनोबेसिक. कौन सा, मोनोबेसिक. याद रहेगा, इसके बाजू में छह से तारे लगाओ, जो पॉइंट लिखवाना तुमको इसके एसिडिटी के बारे में. ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ये मोनोबेसिक होता है, डाई बेसिक होता है या ट्राई बेसिक होता है, ये पूछेंगे. और फिर पूछेंगे क्या ये प्रोटोनिक एसिड है, नहीं. ठीक है, याद रखना. फिर तुमको पूछेंगे ये अरेनियस का एसिड है या लॉरी ब्रॉन्सेट का, नहीं दोनों भी नहीं है. कौन सा एसिड है, लेविस का. तो ये याद रहेगा क्या बोरिक एसिड के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गुड. फिर लास्ट इसको हीट करेंगे तो क्या करेगा, ये ध्यान पे ध्यान दो. इसको हीट करोगे तो क्या है, एच थ्री बीओ थ्री. इसको हीट करोगे इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्या, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एच टू हो गया. तो इसमें से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकालो, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, क्या बच जाएगा बताओ, एच बी ओ टू. एच बी ओ चैनल देखो तुम लोग, पहले आता था इंग्लिश का चैनल, अभी भी आता होगा एच बी ओ, पता है तुम लोगों. हाँ, तो एच बी ओ टू बन गया, क्या बन गया, एच बी ओ टू. क्लियर है क्या? और इसको एच बी ओ टू एक और जगह पे तुम लोग पढ़े होंगे, पढ़े हो इसको एच बी ओ टू को, कहाँ पढ़े हो, बायोलॉजी में. हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, सही है ना, हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. तो ये एच बी ओ बन गया क्या. अब इसको और ज्यादा हीट करोगे तो बचा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो भी पूरा उड़ जाएगा क्या, सिर्फ बचेगा क्या बोरॉन, क्या बचेगा, बोरॉन. और बोरॉन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखते हो, हाँ एयर के प्रेजेंस में, तो एयर के प्रेजेंस में, एयर में ऑक्सीजन होती है क्या, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, बोरिक ऑक्साइड बी टू ओ थ्री. तो इसलिए क्या बन जाएगा, बी टू ओ थ्री. तो इसको और ज्यादा हीट करोगे तो इसके अंदर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा. फिर बचेगा क्या, सिर्फ बोरॉन, क्या बचेगा, सिर्फ बोरॉन. अब ये बोरॉन हीट हो जा रहेगा, और जब बोरॉन एयर के प्रेजेंस में हीट होता है तो एयर में ऑक्सीजन होती है क्या, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होकर क्या बन जाएगा, बी टू ओ थ्री. ठीक है क्या, इसको लिख लो, रिएक्शन को लिख लो. अगर बोरिक ये क्या होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड को, ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करोगे तो क्या देगा, मेटाबोरेट. इसको बोलते हैं मेटाबोरेट, मेटा बोरॉन ट्राइऑक्साइड. घर जाके करोगे क्या तुम लोग, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा क्या टेस्ट का, टर्मिनल एग्जाम्स का, चुपचाप पढ़ाई करो. अभी तो दिवाली में घर गए थे, अले 2 महीने कहां से हुए, पूरे 2 महीने हो गए क्या, ऑलमोस्ट. अरे तो डे केयर वाली तू क्यों रोए जा रही है, हाँ आधे टाइम पे तो आती भी नहीं है तू. डायबोरिन लिखो, लास्ट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, बोरॉन का लास्ट कंपाउंड डायबोरिन. तो बोरॉन के तीन कंपाउंड है, पहला हमने पढ़ा था बोरेक्स, सेकंड क्या पढ़ा, ऑर्थोबोरिक एसिड, और लास्ट कौन सा है तुम्हारा, डायबोरिन. तो डायबोरिन जो है भी मजेदार कंपाउंड है, इससे आग भी लगाते हो तुम लोग, देखो अभी कैसे, क्या बोल रहे हो, लिखा डायबोरिन. कैरनाइट क्या, नहीं नहीं वो तो कैरनाइट तो बोरेक्स का छोटा भाई था, वो अलग है. ये तो बोरॉन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जो क्या है, जैसे तुमने पढ़े थे ना कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम. अब कैल्शियम के तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, पर तुमने कौन से पढ़े, दो तीन ही पढ़े होंगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट, स्लेक लाइम और जिप्सम इप्सम, वही सब पढ़े ना. कैल्शियम के और भी बहुत कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, पर दो तीन ही पढ़े ना. तो उसमें से बोरॉन के भी बहुत कंपाउंड होते हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट है उसमें से, एक आता है तुम्हारा बोरेक्स, एक आता है ऑर्थोबोरिक एसिड, और एक आता है तुम्हारा डायबोरिन. ये डायबोरिन मजेदार चीज है, इसको ध्यान देंगे. तो डायबोरिन के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें सुनेंगे, कैसा होता है डायबोरिन, गैस फॉर्म में होता है, कैसा होता है, गैस फॉर्म में, हाईली टॉक्सिक गैस. कैसी होती है, हाईली टॉक्सिक गैस. तो लिखो, इट इज अ टॉक्सिक गैस. कैसी होती है, टॉक्सिक गैस. बी टू एच सिक्स का फॉर्मूला होता है, बी टू
H6 डायबोरेन बोलते हैं इसको, इट इज अ टॉक्सिक गैस. कैसी होती है? टॉक्सिक गैस. इसको लेके आने का और किसी के रूम में छोड़ देने का, ठीक है, मनस्वी के रूम में छोड़ दो, ठीक है, गैस मर जाएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है, बिकॉज मनस्वी इज मोर टॉक्सिक. सो टॉक्सिक गैस होती है हाईली, और उसके बाद क्या से होते हैं, और क्या करती है, तुरंत एयर के प्रेजेंस में क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है. क्या कर लेती है? आग. अगर इसको एयर के अंदर छोड़ दोगे नॉर्मली तो तुरंत से जो है क्या कर जाएगी, ये फायर पकड़ लेती है, ठीक है. तो लिखो, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट कैचेस फायर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट कैचेस फायर, तुरंत से आग लग जाती है इसके अंदर. तो जो तुम लोग टिफिन फिन देखते हो ना, बॉम्ब वाले टिफिन देखो तुम लोग, कल बताया था मैं तुम लोगों को कि टिफिन में जो है बॉम्ब रखा रहता है, वो जाके कोई तो छोटा बच्चा रहता है, वो जाके उस टिफिन को खोलता है, और खोलने के बाद जो है इसके अंदर गैस कौन सी रहती है, डायबोरिन. इसको जैसे खोलोगे तो किसके साथ, एयर के साथ रिएक्ट करेगा क्या, और एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो आग लग जाएगी क्या, और आग लग जाए तो बॉम्ब भी चालू हो जाएगा, इजंट इट, और बॉम्ब फूट जाता है, समझ में आया क्या, और तुम भी फूट जाते हो. क्लियर हो गया क्या? फिर अगले दिन जो है न्यूज में आते हो, सेम डे न्यूज में आया था अभी तो. एयर इट कैचेस फायर, डायबोरिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कैचेस फायर. लिखा क्या? डायबोरिन इन प्रेजेंस ऑफ एयर कैचेस फायर. क्लियर हो गया? ठीक है, ये तो हो गया. एक तो क्या है, बहुत टॉक्सिक होती है, और उसके बाद क्या होता है, तुरंत से ये कर लेती है, आग पकड़ लेती है. और इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लिख लो. बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज 180 केल्विन. कितना होता है? 180 केल्विन. दैट कम्स टू बी -93 डिग्री सेल्सियस. 180 केल्विन का इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तुरंत से आग पकड़ लेती है. क्या लिखा है इधर? गणपति बप्पा मोरिया. लिखा क्या? B2H6. तुरंत से आग पकड़ लेती है. अब इसकी बात करेंगे तो देखो, यहाँ पे ध्यान दो, B2H6 जो है तुम्हारा, इसकी किसके साथ रिएक्शन करोगे? एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ. क्या? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद तुमको क्या दे देगा? B2O3. ये क्या देता है? B2O3. और उसके साथ जो है क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी फायर. क्या देगा? बहुत सारी फायर. तो ये कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक. कैसी रिएक्शन होती है? एक्सो. तो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? हमेशा नेगेटिव में. किसमें होती है? नेगेटिव में. तुमको मैंने बताया था एक्सोथर्मिक की वैल्यू, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसकी हीट की वैल्यू किसमें होती है? नेगेटिव में. जब हीट को तुम बाहर फेंकते हो अपने अंदर से तो वैल्यू किसमें आती है? नेगेटिव में. और जब हीट को तुम एब्जॉर्ब करते हो तो वैल्यू किसमें आती है? पॉजिटिव में. जब अकाउंट में पैसे आते हैं तो लिखा था ना प्लस, इजंट इट, क्रेडिटेड. और जब जाते तो क्या लिखा था? माइनस, डेबिटेड. सही है कि नहीं? सो जब एनर्जी तुम्हारे अंदर आई तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक. क्या बोलेंगे? बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब, तो प्लस में आता है. डेल्टा एच की वैल्यू किसमें आएगी? प्लस में. व्हेन हीट इज इवॉल्व, जब हीट बाहर फेंकी जाती है तो डेल्टा एच की वैल्यू किसमें आती है? माइनस में. किसमें? माइनस में. तो इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट लिबरेट होती है क्या, इसलिए जो है क्या बोलती है, कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक. कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक. इसकी बात करेंगे, पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस. तो इसकी दो टाइप की रिएक्शन होती है, इसको इस तरीके से लिख दो. अगर एयर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा? बोरॉन का ट्राइऑक्साइड. और पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और क्या देगा? बोरिक एसिड. क्या देगा? बोरिक एसिड. इसको इस तरीके से लिख लो. चलो, दो ही रिएक्शन है इसकी, जो एक एयर के साथ करता है और वाटर के साथ करता है. फिर बाद में प्रिपरेशन मेथड्स है बस खाली. कितने बच्चे प्रेफर करते ठंडी में नहीं नहाने के लिए? नहाते नहीं है. कौन कौन ऐसे बच्चे जो नहा के नहीं आते ठंडी में? शीर सागर. और बॉयज में से गावड़े, गावड़े नहाता है क्या रोज? कौन ऐसा है बॉयज हॉस्टल में जो कभी नहीं नहाता? उसको नहाते हुए देखना बहुत रेयर होता है. डूमचा नहाता. और बीटू का नेपिया, ठीक है.
और मैं सुना अदनान नहीं नहाता, B1 वाला, B1 में अदनान है ना, वो भी नहीं नहाता। वैद्य, वैद्य का रूममेट कौन है? कौन? ओम शेवटे। फिर तो ठीक है यार, दोनों रह सकते हैं, वो भी शांत है, भी शांत, वो एकदम अलग है भाई, शांत रहता है। गुड। गर्ल्स में से कौन कौन नहीं नहाता हॉस्टल में? सास पड़ेगा तो पता है, गर्ल्स में से शीर सागर। मैं सुना वो नहीं नहाती, नांदेड़कर, ये मान घुमटकर और नांदेड़कर दोनों एक रूम में थे, दोनों पानी बजाते हैं, नल को ये लगा के रखा होगा ऊपर, सील लगा के होगा, कोई नहाने की जरूरत ही नहीं है। लेना बेटा बिंदास, तेरी बुक से, मेरा फोन मत ले जाना बस, ठीक है? बाकी जो लेके जाना लेके जाओ, ठीक है? सो ध्यान दें यहाँ पे, क्लिकली रिएक्शंस, ठीक है? लिखो प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, लिखो हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन B2H6, प्रिपरेशन ऑफ B2H6। बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की, कैसे प्रिपेयर करते हैं। अभी नहाने वाली बात मैंने क्यों पूछी, तुमको अभी समझ में आएगा, ठीक है? ऐसे सरकों के फालतू से सोच ऐसे कुछ नहीं कि सडनली सरकों से पूछना है कि भाई नहाना है या नहीं नहाना है, ठीक है? मुझे तुम नहा के आओ, मत नहाओ, ठीक है? खून से नहाओ, ठीक है? क्या करना है, सही से नहाओ, साबुन लगाओ मत लगाओ, रिन से नहाओ या विम बार से नहाओ, सौ नींबू की शक्ति। ध्यान दो, प्रिपरेशन डायबोरिन का प्रिपरेशन करना है। तो डायबोरिन के प्रिपरेशन के लिए तुम लोग को एक टर्म होता है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, पता है क्या तुमको? BFF, क्या बोलते हैं इसको? BFF, ठीक है क्या? तो पहले जो है ये BFF होता है यूजुअली, इसन्ट इट? कुछ लोगों को देखते हैं तुम लोग, तो देखने के बाद जो है कोई लड़का लड़की रहते हैं, उनको पूछेंगे यार तुम लोग के बीच में कुछ चल रहा है? नहीं यार, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तो हम वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, फॉर एवर, ठीक है क्या? थोड़े दिन बाद पता चलता है वो, ठीक है? क्या है, क्लियर है क्या, समझ में आ गया? सो BFF होता है ना, तो BFFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे हम? BF3, क्या बोलेंगे? BF3, ये केमिकल होता है, ठीक है? BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, फॉर एवर, फॉर एवर है। फॉर एग्जाम्पल है, क्या बोलते हैं, घुमटकर, और कौन है? नांदेड़कर। कौन है? श्वेता नांदेड़कर, जिसको श्वेता B2 वाली, और एक घुमटकर जिसको तुम अन्ना अन्ना बुलाते हो, पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, हेलीकॉप्टर, ठीक है? तो ये जो है क्या बोलते हैं, एक दिन श्वेता आके घुमटकर को बोलती है, बोलती है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है? बोला हाँ है। बोले मेरे लिए एक काम करेगी क्या? बोला क्या काम है? तो बोलता है तू है ना बस नहा लेगा अगर नहा, तो इसको बोलती है तू नहा, क्या कर ना, तू है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, बट तू क्या कर ना, तो तू बोलती ठीक चलेगा, तू बोल रही तो मैं नहा लेती, समझ में आएगा रिएक्शन? तो इससे क्या बन जाएगा बीट। अब तू अगर नहाएगी तो पूछती कि मैं नहाऊंगी तो क्या होगा? बोलेगी अगर तू नहा लेगी तो आग लग जाएगी, क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। अगर तू नहाएगी तो क्या होगी? आग जाएगी। तो क्या बनता है B2H6 ना, आग लगती नहीं लगती B2H6 में, समझ में आएगा? तो बेस्ट फ्रेंड इसको बोलती है, अब ये नहा क्या है, सोडियम हाइड्राइड, क्या है? सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, याद है, आयोनिक सलाइन हाइड्राइड। तो क्या होता है, BF3 रिएक्ट्स विद सोडियम का हाइड्राइड, गिव्स यू B2H6, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बोलते हैं नहा ले तो क्या लग जाएगी? आग। समझ में आएगा? ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका? इसका, लेगो इंडस्ट्रियल मेथड। हाँ अरे एग्जाम्पल याद हो रहा है ना, खुश रहना, और कुछ सच बातें भी बतानी चाहिए, सच बताने से अच्छा रहता है। कौशिका जी ठीक हो? लिखा क्या? ये सेकंड लेक्चर है ना, तुम लोग का फर्स्ट है, मेरा सेकंड है ना, क्या बस 15 मिनट बचे अभी, स्ट्रक्चर अभी दो मेथड्स बचे, इंडस्ट्रियल मेथड। कौन सा मेथड है? इंडस्ट्रियल मेथड, बाय ट्रीटिंग BF3 विद, क्या बोलते हैं ना, समझ में आ गया क्या? गुड। अब ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर की एक और रिएक्शन है, वो भी देख लेते हम लोग, BF3 वाली। तो तुम लोग को एक कंपाउंड याद होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद है क्या? इट वॉज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट वॉज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, याद है क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है? तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? सामने वाले को रिड्यूस करना, क्या
रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस, क्या करेगा रिड्यूस। तो रिडक्शन, अगर मैं किसी को पर हाइड्रोजन को ऐड करता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है रिडक्शन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, सो ये इसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड कर देगा क्या, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे B2H6, क्या बन जाएगा B2H6, समझ में आ गया। सो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर के ऊपर तुम क्या लगाते हो, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या लगाते हो रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसके ऊपर क्या लगा देगा वो, हाँ क्या लगाएगा, हाँ समझ में आ गया क्या। तो लिखो ये मेथड को, ये नॉर्मल मेथड है, इसको लिखो नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड है। लिख लेगा रिडक्शन वाला, झाले क्या वेदिका इतनी खुश क्यों हो रही है, नाके नहीं आएगा, सोडियम बोरो हाइड्राइड, सोडियम का बोरो हाइड्राइड, इसको लेके जाते हैं हम आयोडीन के पास, इसके पास आयोडीन के पास, ठीक है। सो आयोडीन के पास लेके जाते हैं, आयोडीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है अच्छा ऑक्सीडाइज। लास्ट रिएक्शन में हमने रिडक्शन कराया था क्या, लास्ट रिएक्शन अभी जो की थी उसमें रिडक्शन कराया था, नहीं कराया था, अब हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, क्या कराएंगे ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का बोरो हाइड्राइड इसके अंदर जब ये आयोडीन में डालते हैं तो तुमको क्या देगा B2H6, क्लियर होगा क्या। तो एक बार क्या लेना है, लिथियम का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसमें डालने का, तुम लोग के बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर में, तभी भी क्या देगा तुमको B2H6। फिर इसका बड़ा भाई लेने का सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको किसमें डालने का I2 में, क्या देगा तुमको B2H6। फिर नहाने वाली रिएक्शन तो तुमको बताई थी, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहाएगा तो क्या लग जाएगी आग, ठीक है क्या। तो ये तीन मेथड्स है जो तुम्हारे किसके हैं, प्रिपरेशन के मेथड्स है। इस मेथड को लैबोरेटरी मेथड, इसको कौन सा बोलते हैं, लैबोरेटरी मेथड। ये लैब मेथड है, लिख लो, तीन मेथड है, तीनों लिखवा दिए तुम लोगों, याद रखना तीनों, ज्यादा तो नहीं पूछते हैं बट फिर भी याद रखो। तो तीनों को एक सीक्वेंस में याद रख लेना, एक साथ लिखने का प्रैक्टिस डालो, हो जाएगा, याद रखो। सबसे पहले क्या लेना है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर लेने का, तो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर को किसके अंदर डालना है, तो दो चीजें याद रखो, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर अगर इसको नहाने को बोलोगे तभी भी क्या देगा B2H6, और बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तभी भी क्या देगा B2H6, क्लियर है। फिर नेक्स्ट तुमको यहाँ पे क्या लेने वाला था, सोडियम का बोरोहाइड्रेट, इसको किसके साथ ट्रीट करना है, आयोडीन के साथ, कभी क्या देगा B2H6, सही है क्या, डाइबोरेट। ये सब चीजें याद रहेगी क्या, तीन रिएक्शन है, इनको ऐसे फ्रेम बना के लिख देना, याद रख लेना, हो जाएगा। तीनों हो गया हम लोग का रिएक्शन, पहले 10 मिनट बचे, स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा। बख्श दो सर हमको, एडिंग डालो इनऑर्गेनिक बेंजीन, लास्ट लिखो इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक, 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा।
इम्पोर्टेंट है इनऑर्गेनिक बेंजीन, छोटा सा ही रिएक्शन है बस, इसी के अंदर है, डायबोरिन के अंदर आता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो यहाँ पे ध्यान दो, इनऑर्गेनिक बेंजीन का क्या रिएक्शन होता है बेसिकली, तो जब कभी भी तुम क्या करोगे B2H6 को, ठीक है, B2H6 को जो है क्या बोलते हैं, इसको जब तुम इसमें डालोगे, इसके अंदर एक लिविस बेस में, किसमें डालोगे, लिविस बेस में। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या बोल सकते हैं, HF ले लेते, इजी पड़ेगा, HF, ठीक है, HF इज अ लिविस बेस। क्या है ये, लिविस बेस, इसके जो ये है, तुमको याद है एग्जांपल लिविस बेस में लिखा था हम लोगों ने, इसके पास फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर रहेगा, गुड, तो फ्लोरीन डोनेट कर सकता है इसको, तुम लोगों को पता है इधर अडक्ट बन जाता है याद है, ठीक है, तो ये तो तुमको पता है, इसे बोलते हैं क्लीवेज रिएक्शन, क्या बोलेंगे, क्लीवेज रिएक्शन। तो ये B2H6 जो है ये क्या करता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया पे एक लिविस बेस है क्या, ये अमोनिया के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब अमोनिया के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है ये एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं B3N3H6, B3N3H6, ठीक है, ये स्पेशल, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक क्लियर है। तो ये अब ये कैसे हुआ रिएक्शन, यहां पे ध्यान दो, B2H6 इज नथिंग बट 2BH3 का, सही का, डायबोरिन क्या होगा, पहले ये भिखारी था ना BH3, फिर ये एक और BH3 के साथ मिला होगा क्या, तभी जाके तो ये मिला होगा ना, जिस तरीके से Al2Cl6 बनाए थे ना कल, देखे थे क्या, नहीं Al2Cl6, सेम तरीके से 2BH3 मिक्स होके तो बने ये, ठीक है। तो अगर समझो ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, दो मॉलिक्यूल के साथ, इसके साथ दो के साथ, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, फॉर एग्जाम्पल BH3 + NH3, क्या रिएक्शन होगी बताओ, यहाँ पे अडक्ट बनेगा क्या, एक भिखारी है ना और एक अमीर है ना, अडक्ट बन जाएगा क्या, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या बताओ, BH3 · NH3 का अडक्ट बनेगा क्या, नहीं यहाँ पे, सही है, ये क्या बन जाएगा, अडक्ट। सो अगर मैं, तो B2H6 जो होता है तुम्हारा, B2H6 इज नथिंग बट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3 का, और जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3 को जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 अडक्ट मिल जाएंगे हमको, क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BH3 · NH3, समझ में आ गया क्या। सो व्हेन वी रिएक्ट B2H6, क्या B2H6 विथ अमोनिया, हमको क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अडक्ट, और यही अडक्ट जो है अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, यही जो है हीट होगा, इसी इसी को जब तुम हीट करोगे और ज्यादा, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड टू दिस B3N3 & H6, ये इस तरीके से अपने आपको क्या कर लेता है, इस फॉर्म के अंदर अपने आपको कन्वर्ट कर लेता है, दिस इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, इनऑर्गेनिक। अब तुमको ये इतना डीप में याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको खाली इतना याद रखना है जो तुमको रिएक्शन लिखवा के दी थी, ये वाली B2H6 विद अमोनिया क्या देगा तुमको, इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर तुम लोग देखे हो क्या, कैसा होता है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है बेंजीन का, C6H6, तो बेंजीन इज नथिंग बट C6H6, इस तरीके से बनता है बेंजीन, हेक्सागोन रिंग होती है क्या, और हर एंड पे क्या होता है, हाइड्रोजन लगा होता है क्या, यही होता है, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं क्या, ये होता है क्या बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैसा है, ऑर्गेनिक। अब जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है उसके अंदर कोई भी चीज जिसके अंदर कार्बन का कंपाउंड, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, कौन से कंपाउंड बोलेंगे, ऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन ना हो उसे क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये कौन सा बेंजीन, ये क्या है, ये बेंजीन जो है कार्बन के रिलेटेड कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक। अब ये जो स्ट्रक्चर लेंगे कौन, B3, N3 और H6, ये जो है कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, तुमको एक रिंग बनाने का, क्या बनाने का, रिंग, बेंजीन जैसी सेम रिंग बनाओ, स्ट्रक्चर पूछेंगे तो क्या बनेगा, सेम बेंजीन जैसे रिंग, 3 बोरॉन और 3 नाइट्रोजन लगाने का, तो कोई भी ले लो पहले सबसे, फॉर एग्जांपल मैं नाइट्रोजन ले लिया, नेक्स्ट क्या लेने का, बोरॉन, फिर क्या लेने का, नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन बोरॉन, बन गई क्या रिंग, ठीक है। और अल्टरनेट डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे, तुम लोग भी क्या बना दो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और 6 हाइड्रोजन लगे क्या, तो 6 हाइड्रोजन लगा दो, देखो बन गई क्या बेंजीन रिंग जैसी, सही है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, बेंजीन रिंग जैसा आ रहा है क्या, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक
बेंजीन, समझ में आ गया क्या? ये रिएक्शन लिखो यहाँ से, कौन सी वाली कहाँ गई, ये वाली रिएक्शन लिखो, B2H6+ अमोनिया विल गिव यू B3N3H6, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बस यहीं पे एंड करते हम लोग। डाइबोरेन विथ अमोनिया, क्या? डाइबोरेन विथ अमोनिया गिव्स यू इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, चलो बिना देखे भी बताया तुम लोगों को, बनाओ चलो बिना देखे। लिखा क्या? B2H6। इन्होंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया सब लोगों ने, जिसका नहीं ड्रॉ हुआ है बोले यहाँ से ड्रॉ कर लेना, ये स्ट्रक्चर है, ये वाला मत करना भैया, ये नॉर्मल बेंजीन का है, ये होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे जब चार बॉन्ड होती है तो कौन सा चार्ज आता है नाइट्रोजन पे, बताओ? नाइट्रोजन पे जब चार चार बॉन्ड बनती है तो कौन सा चार्ज आता है, कौन सा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस? कौन सा आता है? प्लस। और बोरॉन के ऊपर जब चार बॉन्ड बनती है कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। तो हर बोरॉन पे क्या लगेगा? माइनस। और हर नाइट्रोजन पे क्या लगेगा? प्लस। तो देखो कितने प्लस हुए और कितने माइनस हुए, गिनो, तीन प्लस और तीन माइनस, तो ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा क्या? तीन प्लस और तीन माइनस है। तुमको पूछेंगे कि इनऑर्गेनिक बेंजीन में किसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो किस पर होता है? नाइट्रोजन पे। और बोरॉन पे क्या होगा? माइनस चार्ज। बन गया सब लोग का स्ट्रक्चर, याद रख लो इनऑर्गेनिक बेंजीन का, बस इतना काफी आज के लिए। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन का एक और नाम है, उसको बोलते हैं बोराजीन, क्या बोलेंगे? बोराजीन। तो ये याद रख लेना, एग्जाम में पूछते हैं बोराजीन, सीधा लिख देंगे, क्या लिखेंगे? बोराजीन। तुमको इनऑर्गेनिक बेंजीन नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा नाम? बोराजीन। तो तुमको पूछेंगे बोराजीन के अंदर जो है क्या बोल सकते हैं, कितने बोरॉन होते हैं, तो कितने होंगे? तीन। कितने नाइट्रोजन होंगे? तीन। कितने हाइड्रोजन होंगे? छह। डबल बॉन्ड कितनी होंगी? तीन। कितनी होंगी? तीन। समझ में आएगा? सिग्मा कितनी आ रही है बताओ? नौ। कितनी आएगी? नौ आ रही, कितनी आ रही देखो, नहीं कितनी आ रही देखो, नौ इन ज्यादा आएगी ना, छह और छह कितनी हो गई? बारह। बारह सिग्मा आ रही है ना, टोटल सिग्मा कितनी आई? बारह। This much is sufficient for you. Last इसका structure बचता है, और क्या बोलते हैं फिर कल से carbon family. So boron family को हम कल end कर देंगे और carbon family start कर देंगे, ठीक है? But test में सिर्फ boron family दूंगा, carbon family नहीं दूंगा, खुश? Test में सिर्फ boron family आएगी, carbon family नहीं आएगी। Calcium के compounds आएंगे, उसको करके जाना है ना, जिप्सम इप्सम वो सब याद रखना, हेमी हाइड्रेट सब याद रखो, ठीक है? छोटे बच्चों का गेम था, छोटे बच्चे लोग खेलते हैं ना गेम, हाँ छोटे बच्चे मतलब थोड़े बड़े हैं, एकदम भी छोटे नहीं। टाइम हो गया ना, ठीक है, पढ़ के आओ, किसी को भी डाउट है तो पूछो।